नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। इन दिनों प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचारों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रोजाना महिलाओं और बच्चियों को यौन शोषण का शिकार बनाया जा रहा है। इसी की एक बानगी बूंदी जिले के नैनवा उपखंड पर देखने को मिली। युवक द्वारा शादी का झांसा देकर 8 साल तक अनाथ युवती का देह शोषण का मामला नैनवा थाने में दर्ज किया गया है। क्षेत्र में एक और गंभीर मामला सामने आया, जहां थाने में पहुंचकर एक युवती ने उसके साथ 8 वर्षों से चल रहे यौन शोषण की शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी ब्रजभान ने बताया कि एक युवती ने उसके भाई के साथ थाने में आकर नैनवा निवासी पवन गौतम के खिलाफ उसके साथ 8 वर्षों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने की लिखित शिकायत दी है। पुलिस की ओर से मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मामला 376/5/6 व पॉक्सो धारा में दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती के पिता की मृत्यु 2012 में हुई। इसके तकरीबन 1 वर्ष बाद से ही अभियुक्त पवन गौतम ने उसे शादी का झांसा देते हुए उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। युवती के कई बार कहने पर भी युवक ने उससे शादी नहीं की और लगातार यौन शोषण करता रहा। इसके बाद युवती को शादी करने से साफ मुकर गया। संवाददाता गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या मामला था? पवन गौतम से मेरा रिलेशन था। वो 8 साल से मेरे साथ गलत काम कर रहा था और उसने मेरे से कहा मैं तेरे से शादी भी करूँगा और मैं जब भी बोलूँ उसे शादी के लिए, और वो मना करता रहा मेरे से। भाई अभी 2-5 महीने रुक जा, 2-5 महीने बाद में करूँगा। फिर मेरे मतलब जब भी कोई ऐसी बात होती वो मेरे को फट से मना कर देता। और फिर हम इस 8 साल तक मेरे 8-9 साल तक मेरे साथ गलत काम करता ही रहा वो। और उसका नाम है पवन गौतम, नैनवा का रहने वाला। आज एक युवती थाने पर उपस्थित होकर आई कि मेरे साथ एक पवन गौतम नाम का लड़का, जो मेरे से करीब लगातार देह शोषण कर रहा था और जो शादी का झांसा देकर उसने मेरे शादी करने से इनकार कर दिया और मेरे साथ वो लगातार आज तक संपर्क करता रहा, इसके संबंध में मैंने रिपोर्ट आज थाने उपस्थित होकर पेश की थी, जिस पर थाना पर मुकदमा दर्ज कर